हेलो भाई, हैप्पी बर्थडे आपको। हमारा दिमाग ठीक है यार, सारा काम पेंडिंग पड़ा है, तुम यहाँ उठा के लिया यार। गाइस सीरियसली सबकी हालत खराब हुई पड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। इधर दिखा, ये देखो गाइस, ये है रोड का हाल यार। मतलब इतना ज्यादा डर लग रहा है रास्ते में जाते, मैं आपको क्या बताया यार। गाइज हम लोग आए हैं पंजाब। आज है साहिल भाई का बर्थडे, और अभी नहीं है, दो घंटे बाद है। दो घंटे बाद रात के 12 बजे 29 जनवरी को साहिल भाई का बर्थडे आता है। तो गाइज हमने प्लान करी है यहीं से एक ट्रिप। अब यहाँ से साहिल भाई को पंजाब देखना था, इसलिए उनको शादी में तो ले आए। अब उनको लगता है कि हम यहाँ से वापस घर जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से उनको मनाली लेके जाएंगे। अभी हम खड़े हैं पटियाला में, यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है भाई मनाली में, और साहिल भाई का बर्थडे वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। तो साहिल भाई भी मैं आपको दिखा दूं। अभी गाइज उनको कुछ नहीं पता है कि यहाँ से मनाली का हमारा प्लान बन चुका है। लगने भी नहीं देंगे भाई, ठीक है। अभी हम सिर्फ चारों को पता है और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो भाई अभी आके उनसे मनाली की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये हमारा वेडिंग की लोकेशन, ये देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन आ गई है। और यहाँ पे जो ये हमारे दोस्त हैं, ये है भाई हमारा दोस्त निखिल, ये रहे साहिल भाई। अब ये भाई वेडिंग की तैयारी कर रहे हैं, अपने कपड़े पहनेंगे। अंकित भाई यहाँ पे हैं, अंकित भाई गाड़ी चला के आए भाई, बड़ी मस्त कोहरे में बचाते हुए हमको। ये है साहिल भाई। तो साहिल भाई पंजाब की पार्टी एंजॉय करनी थी, पार्टी का एंजॉय करनी थी, ये आया था, इसने कहा चलते हैं। मैंने कहा चलो भी, आना जाना करना है, पंजाब देखना था ना आपको, आज आप पंजाब देखना भाई। बढ़िया, भाई का बर्थडे है। तो गाइस जो पंजाब में एंजॉय करना है हमको, अभी हम यहाँ पे फिर केक वेक काटेंगे और फिर भाई जी का बर्थडे मनाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ से फिर घर निकलेंगे, 1 घंटा 40 मिनट है बस। इसके बाद फिर कहीं यहाँ से घर भी निकलना है हमें वापस। तो भाई आगे के व्लॉग में आपको बाकी चीजें दिखाते हैं, इनका रिएक्शन साइड चलते हैं, थोड़ा सा ना दूर आ जाए वो सुनना नहीं। अब भाई आगे के व्लॉग में जो है ना, हम इनका रिएक्शन दिखाएंगे आपको, क्योंकि गाड़ी में ना भी मुझे पता है सो जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ तक आने का भी 6-7 घंटे का रास्ता है ना। अभी यहाँ से ना आगे भी लगेगा, हाँ आगे भी 7-8 घंटे का रास्ता लगेगा। तो इनको लगेगा 7-8 घंटे में हम घर वापस जा रहे हैं, लेकिन 7-8 घंटे बाद जब इनकी आँख खुलेगी तो हम होंगे मनाली के अंदर। और फिर भाई अभी पता है कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आए भाई, सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए कपड़े लाए थे, और बाकी किसी भी तरह के कपड़े नहीं लाए। तो टपरी पर लाए थे मुझे चाय बुला के, लेकिन लेके मनाली, हाँ ऐसे ही सीन है गाइस। तो गाइस शादी अटेंड कर ली है, अभी यहाँ पे आग में हाथ सेक रहे हैं। ये देखो भाई इतने सारे, ये मैं दे के आ रहे हैं अंदर। तो शायद भाई साहिल भाई तो चले गए गाड़ी में, उनको ना हम थोड़ा दूर दूर रखना है, ताकि उनको हमारे प्लान के बारे में पता ना चले। तो शायद भाई इधर आओ, ये आएगी लाइटिंग, ये अब कुछ कहना चाहोगे आप? मैं क्या कहूँ उस्ताद, सुबह भाई मनाली जा रहे हैं, इस बंदे को भाई रत्ती भर खुशी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? एक बात बता, साहिल को नहीं पता मनाली जा रहे हैं, तुझे पता था, मुझे पता था, अंकित को पता, तुम क्यों नहीं लाए कपड़े? मेरे तो डरे हैं। डरे तुम्हारे? मैं तो लाया हूँ भाई। यार मैं नहीं लाया, पता क्यों? क्योंकि मैं नेचुरल दिखाना चाहता हूँ, मैं नेचुरल साहिल भाई के साथ खरीदूंगा वहाँ पे भाई। साहिल भाई के साथ एक जैकेट खरीदूंगा वहाँ पे और वहीं पहनेंगे फिर। मैं तो क्या दूंगा, मैंने भी यहीं से खरीदी। तो भाई अभी देखो गाड़ी में सामान रखा जा रहा है, वो अंकित वगैरह सब जा रहे हैं गाड़ी में सामान रखने, तो हम भी चलते हैं। और फिर अभी आपसे केक काटेंगे, या तो रास्ते में रुक कर, अगर पहाड़ों पर, पता क्या हम सोच रहे हैं, जब तक हम 12 बजेंगे ना हम पहाड़ों पर पहुँच चुके होंगे, और अगर पहाड़ों पर हमने पहुँच के केक काट लिया, साहिल भाई समझ जाएंगे क्या सीन हो रहा है, पहाड़ों पे कैसे आ गए, ठीक है भाई, फिर समझ जाएंगे पूरा प्लान। कटे भी नहीं कटे पहाड़ों पे, हाँ पूरा पहाड़ों पे इस टाइम भाई बहुत ठंड हो रही है, दिखना देखना वैसे ही बंदा, विजिबिलिटी जो है ना बिल्कुल लो हो रखी है, तो पहाड़ों पे हम केक काट भी नहीं सकते वैसे भी, और अगर गए तो प्लान चौपट हो जाएगा। तो अब हम साहिल भाई को बोलेंगे कि भाई कल हम ना घर पे ही काटेंगे सुबह केक, अभी रास्ते में कोई केक वेक नहीं काटेंगे, अभी सब सो जाएंगे, ठीक है, ताकि भाई अपना प्लान जो है बचा रहे। तो अब चलते हैं, अब आपसे सीधा मनाली की रोड दिखाऊंगा आपको सीधा, और साहिल भाई सो रहे होंगे वो चीज दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद उठेंगे और सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे साहिल भाई। तो गाइस घर जाते जाते हम यहाँ पे रुके हैं, आई लव पटियाला पे, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो सारे यहाँ पे टी पॉइंट की तरह इसको बना लिया, सब फोटो वगैरह ले रहे हैं, ये है भाई सारे के सारे, भाई फोटो वगैरह लो जल्दी और फिर चलते हैं घर, पहुँचना टाइम से भाई, सुबह तक टाइम से घर पहुँच जाए, पहुँच जाए। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, ये थोड़ा एक्टर कच्चा है, एक्टिंग नहीं बनी जल्दी, चल रहा है एक और अनदर व्लॉग, यहाँ पे अनदर व्लॉग चल रहा है, शायद भाई के व्लॉग पे व्लॉग चल रहा है, व्लॉग के अंदर एक व्लॉग चल रहा है।
ये कुत्ता लेके आया मैं घर से जर्मन शेफर्ड ये भारी कुत्ता लगता खाते पीते घर का है हमारा कुत्ता ना खाता पीता रहेगा ही गाइस सीरियसली सबकी हालत खराब हुई पड़ी है मैं आपको वजह बताऊं क्यों उससे पहले मैं आपको रिएक्शन दिखाऊं ये शाहिद के ये साहिल के रिएक्शन है भाई आंख और ओके भाई ओके ओके मैं आपको दिखाता हूं क्यों हो रहा है ऐसा ये देखो भाई हो गया भाई इसने अपने नखरे शुरू कर दिए ठीक है सबने मांगा आलू प्याज पराठा तूने क्या मांगा भाई भाई गोभी पराठा चाय भाई सारे ना कॉफी है गोभी पराठा खाया कॉफी कॉफी ले आओ यार क्या हो गया ये कुत्ते को हड्डी नहीं दी क्या कहां तरह भाई इतना सारा मेन्यू देख के ही सोचा पराठे मिलेंगे कुछ है नहीं पल्ले पार्टी रुकी ओए क्या हो गया कांप क्यों रहा है अच्छा ये नहीं कांप रहा मेरा हाथ कांप रहा है क्या बने इन बाप बेटों का अलग चल रहा है बाप बेटे टूर पे चल रहे हैं ये पानी पी रहा है ये बेटा ये हाथी का बाप है और ये हाथी इसका बच्चा साहिल भाई कुछ क्या हो गया ठंडे लग गए साहिल भाई ने तो मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं हमने तो कुछ नहीं पहने गाड़ी में धरे हैं हमारे तो भाई अब पराठे आ जाते हैं फिर फटाफट से खा के निकलते हैं यहाँ से भाई अपने आगे पराठे भैया सारे लिए है गोभी वाले का रह गया होगा भाई पराठा आ चुका है मक्खन लगा रहे हैं ये कह रहे हैं ये मक्खन गिर गया था क्या हो गया गिरा उठा ले क्या हो गया यही नहीं पता उसके साथ से रखे जाता है ठीक है तो मक्खन लगाते हैं खाते हैं और अपना चाय इंजॉय करते हैं इनका बर्थडे है ना भैया इनको गर्म दिखे एक दिन तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है तो चलो भाई खाना खा लिया तो यहाँ से चलते हैं आ जाओ भाई भाई ऐसे ना नाइट में यहाँ बाहर आने में यार मजा ही लगाता है वैसे जो बात है नहीं साहिल तूने अपना फोन ले लिया चलो बढ़िया भाई भैया से टिश्यू मांग मैं हाथ धो के आया ठंड यार क्या जबरदस्त चीज है ये बहुत तेज नींद आ रही थी पर मैं सोया नहीं क्योंकि सरप्राइज देना है इनकी तो आवाज भी डाउन हुई होगी भाई रात भर के जगे हुए तो भाई बस पहुंच गया है अभी इनको उठाना है कुत्तों की तरह और उसके बाद सरप्राइज देंगे भाई गुस्सा करेगा ये बंदा मुझे पता है क्या काम वाम बहुत छोड़ के आप्टे मैं नहीं खाऊंगा काम वाम बहुत छोड़ कर आया है लेकिन जब मॉर्निंग में उठेगी ना ये तब इनको हैंगओवर उतर चुका होगा थकान का और फिर ये एंजॉय करेंगे चलो भाई मिलते हैं अब 2 मिनट में तो गाइस फाइनली हम मनाली आ चुके हैं और आप देख सकते हो साहिल भाई भी सो रहे हैं अब भाई इनको हम उठाने वाले हैं और इनको सरप्राइज देने वाले हैं कि आपके बर्थडे पे हम कहाँ आए हैं भाई जल्दी यार चल रहा हूँ भाई सब थक रहे हैं क्या हुआ भाई नींद आ रही है बहुत तेज रात भर के जगह मैं इसलिए नहीं सोया ताकि सरप्राइज कोई नहीं यार साहिल भाई उठेगा तो साहिल भाई उठेंगे ना सबकी नींद उड़ा देंगे चलो भाई आ जाओ तू संभालियो चलो भाई चलो भाई आओ उस तरफ आ जाओ साहिल साहिल खोल गेट खोलो साहिल भाई वेलकम टू द मनाली साहिल भाई आओ बाहर आओ साहिल अबे बाहर आओ कैसे कुत्तों की तरह उठाया तुमने साहिल भाई भाई जल्दी उठ जाओ साहिल भाई जल्दी मनाली आ गए भाई पागलो मनाली मनाली भाई आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने मनाली आए हैं तो साहिल भाई हैप्पी बर्थडे आपको तुम्हारा दिमाग ठीक है यार सारा काम पेंडिंग पड़ा है तुमने आज उठा के लिया है हम तो होता रहेगा दादा भाई आपके बर्थडे पे हम सब की तरफ से आपको मनाली की ट्रिप है काम वाम तो होता रहेगा यार अभी बर्थडे एंजॉय करो यार अरे कोई नहीं यार
यार काम वाम तो कुछ पता नहीं है, यहाँ उठा के लिए हम क्या हो जाएगा भाई, काम हो जाएगा काम तो यार रोज काम तो रोज होता ही रहता है यार, बर्थडे थोड़ी आता है। काम ही कर रहे हो, कितने बार कितने टाइम बाद आए हो बाहर? रोज बर्थडे आता है क्या? पंजाब में शक हो गया था। अरे यार कोई बात नहीं ना साहिल भाई, टेंशन मत लो यार, इतना स्ट्रेस हो गए तो। तो गाइस अभी फाइनली पहुंच चुके हैं मनाली और साहिल भाई भी बहुत तक रहे हैं और हम सब भी बहुत तक रहे हैं भाई, बहुत गुस्सा आ रहा है इनको तो। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था ये रात को सोएंगे ना, ठंड होता है मनाली में, हाँ इनकी सारी थकान उतर जाएगी और हमें भी ठंड लग रही है। अब फटाफट से निकालो भैया होटल ले लो। भाई हम बुक करके आए भैया, थैंक यू भैया, ठीक है भैया। तो गाइस चलते हैं और सारे बैग वैग निकालो फटाफट। गाइस देखो मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, सुबह से ब्लॉग साहिल भाई कंटिन्यू करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अभी जितना गुस्सा कर रहे हैं ना, सुबह इनका कोई गुस्सा नहीं रहेगा। अरे यार टाइम से मतलब मैं सारी वीडियो एडिट करके आया हूँ भाई, चलो भाई सामान निकालो भाई। तो गाइस अब फंस चुके बहुत, आपसे मिलते हैं कल, ओके टेक केयर बाय।